नांदेड़ में हजारों की तादाद में गैर मकामी बाशिंदे रोजगार से जुड़े हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन ने इनके कारोबार को बड़ी हद तक मुतासिर किया है। ऐसे में इनके खाने पीने और रहने के मसाइल भी पैदा हुए, जिसको देखते हुए बड़ी तादाद में ये गैर मकामी लोग अपने अपने वतन की राह ले रहे हैं। इनके लिए सरकारी तौर पर खसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नांदेड़ से जाने वाले इन गैर मकामी बाशिंदों को सफर के दौरान भूख और प्यास के मसाइल पेश न आए, इसके लिए नांदेड़ की लीगल फाइटर तंजीम खिदमत अंजाम दे रही है। तंजीम के अरकान साबिर चाउस, मोहम्मद रफीक उर्फ मुशी, मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी, शेख मुनीर, रशीद खान और अमजद खान ने मुसाफिरीन में पानी की बोतलें, फल और चिड़वा तकसीम किया। हमारी लीगल फाइटर टीम सभी साथ थे और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये लोग सही सलामत अपने घरों तक पहुंचे और अल्लाह ताला इन्हें कोरोना वायरस जैसी बीमारी वबा से इन्हें बचाए। और हमारी लोगों से भी अपील है जो कह रहे हैं कि ताली बजाना और मोमबत्ती जलाना और कोई बोल रहा है कोरोना गो के नारे लगाना, ये गलत बात है। रोड पे ग्राउंड जीरो पे उतर के काम करना पड़ेगा हमें, तो लोगों को मदद मिलेगी। ये बहुत आज बहुत बढ़िया काम है लोगों की खिदमत करने का। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का इंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि हमें आज फिर से खिदमत का मौका मिला। आज कलकत्ता के लिए मजदूर लोग जाने के लिए सब आए हुए हैं और हम लोग भी लीगल फैक्ट्री की जानिब से और एमआईएम सिटी प्रेसिडेंट साबिर चौस की जानिब से ये सब लोग यहाँ पर खिदमत के लिए आए हुए हैं। और कम बेश यहाँ पर आज 1200 मजदूर जो कलकत्ता को जाने वाले हैं, अभी ट्रेन कुछ वक्त में अभी छूटने वाली है, जाने वाली है, तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि सफ़र बहुत अच्छा सा रहे। आज कलकत्ता के लिए जो ट्रेन का नज़्म किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से और आज हमने जो 8 दिन से ये लोगों के पास बना रहे थे, मैं जकी मुशी ये सभी लोग बंगाली सोने चांदी का काम करते, इस वजह से इस सराफे के अंदर तमाम लोगों ने उनकी हेल्प के लिए आए यहाँ पर भी। और हमने हमारी जानिब से यहाँ पर खाने पीने का नज़म रखा, उनको पानी का हर तरीके से उनको जो भी है यहाँ पे हमने इंतज़ाम रखा है। और उनको यहाँ पर हमारा ये मकसद है कि वो जल्द से जल्द उनके घर को जाकर पहुँच जाए और बाद में वापस आने की उनकी ख्वाहिश रहे, उनसे ये दुआ करेंगे।